प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्लस टू ज्योग्राफी से संबंधित, और प्लस टू ज्योग्राफी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे गौड़ जनजाति के बारे में। गौड़ जनजाति के अंतर्गत हमने देखा था लास्ट कक्षा के अंतर्गत, बात करें तो समाज जो है संस्कृति की बात चल रही थी, समाज व संस्कृति की बात चल रही थी। समाज व संस्कृति की बात करेंगे, हमने कुछ तथ्यों को देखा था कि ये लोग क्या हैं, पितृसत्तात्मक समाज में प्रवेश करते हैं और इनके जो मुखिया होते हैं परिवार के, वो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, और इनके जो पिता होते हैं अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो सारी की सारी जो अचल संपत्ति है वो अचल संपत्ति पुत्र को मिल जाती है। विवाह संबंधी हमने देखा, जैसे सेवा विवाह है, विनिमय विवाह है, हरण विवाह है, इस प्रकार से बहुत सारे विवाहों की बात की थी। उसके बाद में हमने देखा था कि ये कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, भाषाओं के बारे में देखा था, द्राविड़ियन भाषा है, इसके साथ साथ में कुछ गौड़ जनजाति के लोग हिंदी भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं। इसके साथ साथ में ये देखा था कि ये कल्चर में क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, नाच गाते हैं, और धुलिया जो जनजाति थी वो एक गायक जाति थी और वो इनके इतिहास के बारे में गुणगान करती हैं। इतिहास में देखा था हमने कि गौड़ों के भगवान हैं, भगवान ने जब जन्म लिया तो उनकी माता ने क्या किया, उनको बेसहारा छोड़ दिया, और बेसहारा छोड़ने के बाद में कौन था जिसने सहारा दिया, पार्वती। पार्वती ने फिर उनको सहारा दिया, लेकिन जो शंभु महादेव थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुफा में कैद कर लिया था, गुफा में कैद कर लिया। फिर इनको छुड़ाया किसने, पहंडी कपारलिंगम, एक नाम था पहंडी कपारलिंगम, इन्होंने छुटवाया किसकी मदद से, देवी जंगूबाई की मदद से इनको छुटवाया। जब ये आज़ाद हुए तो चार गुफाओं से निकले और इसी के कारण ये चार वर्गों में विभाजित हो गए, और इन्हीं चार वर्गों को गौड़िया भाषा में, क्या कहते हैं, सगा कहते हैं। क्या कहते हैं, सगा कहते हैं, ठीक है। अब हम इससे आगे की बात करेंगे कि इससे आगे क्या चीज़ है। देखिए, ये लोग मनोरंजन भी करते हैं, गौड़ जनजाति के लोग क्या हैं, मनोरंजन करते हैं, और मनोरंजन में ये सिस्टम नहीं है कि इनके पास में झूले हैं, इनके पास में कोई एडवेंचर के सामान हैं या कोई मूवी करेक्टर वगैरह हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये लोग क्या करते हैं, मुर्गों को क्या करते हैं, आपस में लड़ाते हैं, मतलब उनकी फाइट करवाते हैं। जो मुर्गे होते हैं, हमने बात की थी कि बतख और मुर्गे की बलि दी जाती है, कब दी जाती है, जब आवेश, जो आवास होता है वो आवेश प्रवेश करते हैं, उस समय एक सुगन के रूप में ये क्या करते हैं, बतख व मुर्गे की बलि देते हैं। तो पशुपालन तो स्पष्ट हो रहा है यहाँ, इसलिए ये क्या करते हैं, एक मनोरंजन के रूप में जो मुर्गे होते हैं उन मुर्गों को आपस में क्या करते हैं, लड़ाते हैं। और इनके देवी देवताओं की बात करेंगे तो देवता किनको मानते हैं, याद रखना, शंभु महादेव इनका प्रमुख देवता माना जाता है, ठीक है। देवी की बात करेंगे, शीतला माता,
वह छोटी माता। देवी देवताओं की बात करेंगे तो इनके प्रमुख देवता और देवियों के बारे में दिया गया है। कौन कौन से देवता की बात करेंगे? शंभु, महादेव और एक नाम और भी आता है प्रशापेन। शीतला माता व छोटी माता देवी के रूप में पूजी जाती हैं। अब देखिए, इन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए खुश करने के लिए ये क्या करते हैं? ये लोग बलि लगाते हैं। और बलि किसकी? भेड़ व बकरियों। इन देवी देवताओं को खुश करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? बलि लगाते हैं भेड़ बकरियों। और ये लोग क्या है? ये जादू टोना में भी विश्वास करते हैं। रात्रि में ये लोग क्या करते हैं? जागरण करते हैं। और अधिकांश गोड क्या है? हिंदू प्रवृत्ति के लोग और प्रकृति पूजक भी हैं ये लोग। और क्या मानते हैं ये लोग? मानते हैं कि जो हमारे भगवान हैं वो भगवान कहाँ रहते हैं? वनों में रहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जंगलों में रहते हैं। ये किनका मानना है? गौड़ जनजाति का मानना है कि हमारे जो भगवान हैं वो कहाँ रह रहे हैं? जंगलों में रहते हैं। और इसके साथ साथ में क्या है, एक विचित्र बात यहाँ स्पष्ट होती है। क्या बात है कि कुछ देवी देवताओं के नाम हैं, जैसे काली माता, दंतेश्वरी, शंभु, महादेव। देखो, इनको खुश करने के लिए ये देखो भेड़ बकरियों की तो बलि देते ही हैं, साथ साथ में क्या देते थे? नर बलि भी देते थे। नर बलि का अर्थ ये है कि आदमियों को बलि के रूप में इस्तेमाल करते थे और देवी देवताओं को प्रसन्न करते थे। लेकिन ऐसा सिस्टम 19वीं शताब्दी की बात करेंगे तो अंग्रेज़ों के द्वारा इस प्रकार की नर बलि पर क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया, बैन कर दिया इसको। ठीक है, अब इससे आगे हम ये देखते हैं कि अगर किसी गौड़ जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मर्द शरीर को ये लोग क्या करते हैं? या तो जला देते हैं या उनको क्या करते हैं? दफनाते हैं। क्या करते हैं? या तो उनको जला देते हैं या उनको क्या कर देते हैं? दफना देते हैं। मतलब एक कब्र के रूप में उनको खड्डे के अंदर क्या कर देते हैं? दफना देते हैं। या किसी व्यक्ति को जला सकते हैं। दोनों प्रक्रिया यहाँ देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमने क्या देखा है? इस प्रकार से हमने इसकी समाज व संस्कृति के बारे में देखा है कि गौड़ जनजाति के लोग किस प्रकार के सामाजिक परिवेश में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम देखेंगे आधुनिक संस्कृति से इनका क्या जुड़ाव है। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, देखिए आधुनिक संस्कृति की बात करेंगे तो ये जनजाति जहाँ निवास करती हैं उन क्षेत्रों में धीरे धीरे बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, बढ़ते हुए आवास के कारण क्या स्पष्ट हुआ है? औद्योगिक विविधताएं स्पष्ट हो रही है। जहाँ गौड़ जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं वहाँ पर औद्योगिक विविधताएं दिखाई दे रही है। इसका अर्थ क्या है कि समय के साथ में धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के उद्योगों की स्थापना होने लगी हैं कि क्षेत्रों में गौड़ जनजाति के निवास क्षेत्रों के अंतर्गत। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है? इस औद्योगिक विविधता को देखते हुए साथ साथ में
खनन क्षेत्र भी हैं इस निवास क्षेत्र के अंतर्गत। साथ साथ में क्या है कि यहाँ पर जो खाद्यान्न हैं, विनिर्माण उद्योग हैं, उनमें ये लोग कार्य करने लगे हैं। और कार्य करने के कारण ये श्रमिक परिवर्ती में तब्दील हो गए हैं। अब इनका जुड़ाव किससे हो गया है? शहरी क्षेत्रों से हो गया है। और शहरी क्षेत्रों में जो उद्योगों की स्थापना हो चुकी है उनमें ये किस कार्य पर कार्यरत हैं? श्रमिक के रूप में उन उद्योगों में ये क्या करते हैं? कार्य करते हैं। साथ साथ में सरकार द्वारा क्या है, इनको सुविधाएं दी जा रही हैं। किस प्रकार की सुविधाएं? परिवहन संबंधी, बैंकिंग संबंधी, संचार संबंधी, चिकित्सा संबंधी, ये सारी की सारी सुविधाएं क्या दी जा रही है? सरकार के द्वारा दी जा रही है। जिससे क्या हुआ है, इनकी जो जीवन शैली थी उस जीवन शैली में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। जो प्राचीन जीवन शैली थी उनमें धीरे धीरे क्या आने लगा है? बदलाव आने लगा है। और वो बदलाव कैसे आया? वो बदलाव आया इस प्रकार की प्रवृत्ति के कारण। अब धीरे धीरे इनका संपर्क शहरों से होने लगा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वातावरण में, अपने जीवन में बिल्कुल परिवर्तन आएगा। ठीक है, आप जिस प्रकार जिस संगति में विचरण करते हैं आपका व्यवहार भी उसी संगति के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? बन जाता है। तो इन पर भी क्या है, उस वातावरण का क्या हुआ है? प्रभाव पड़ा है। इसके अंतर्गत क्या था, एक प्रथा थी, कबाड़ी प्रथा। ये कबाड़ी प्रथा क्या थी? कबाड़ी प्रथा के अंतर्गत क्या था कि कोई भी व्यक्ति अगर बड़े बड़े साहूकारों से ऋण लेगा, मतलब कर्ज लेगा, तो उस ऋणी को क्या है, बड़े बड़े साहूकारों के पास में गुलामी करनी पड़ती थी। और उसी को नहीं बल्कि उसके आगे आने वाली पीढ़ी को भी उस साहूकार के गुलाम के रूप में कार्य करना पड़ता था। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रथा थी कबाड़ी प्रथा। और इस प्रथा को सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने क्या कर दिया, इसको प्रतिबंध कर दिया, इस पर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। अब ये लोग इससे क्या है, आज़ाद हैं। अब इनकी जीवन शैली के बाद में इनके शिक्षा के स्तर की बात करेंगे। इनके शिक्षा के स्तर की बात करेंगे तो शिक्षा का स्तर धीरे धीरे क्या होगा, ग्रोथ करने लगेगा, क्योंकि इनका संपर्क अब शहरों से होने लगा है। और प्राचीन समय की बात करेंगे तो इनके पास में शिक्षा का ऐसा कोई स्रोत नहीं था। अब स्रोत कैसे प्राप्त हुआ है, देखिए हम बात करते हैं, एक वर्ग हम कई बार सुनते हैं, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, जिस प्रकार से जातियों को विभाजित किया गया है जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एससी की बात करेंगे, शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे, उसी प्रकार एसटी की भी बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति। तो जो गौड़ जनजाति हैं वो कौन से कैटेगरी में आती हैं? अनुसूचित जनजाति। और इस अनुसूचित जनजाति के कारण सरकार क्या है, कुछ न कुछ इनको रिजर्वेशन भी देती हैं। और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में इसको बहुत सारे बेनिफिट भी सरकार उपलब्ध कराती है। इस प्रकार से हमने इस गौड़ जनजाति के बारे में देखा है कि गौड़ जनजाति के अंतर्गत क्या क्या इनके निवास क्षेत्र थे, क्या क्या भोजन संबंधी विविधताएं थी, क्या क्या इनके आधुनिक संस्कृति संबंधी विविधताएं थी। तो ये चैप्टर हमारा क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंतर्गत क्या है, आपको प्रत्येक छोटे छोटे कुछ परिभाषित शब्द हैं, उन शब्दों पर फोकस करना है। बहुत सारे शब्दों का उल्लेख यहाँ मैंने किया है अलग अलग वीडियो में, तो उनको सिक्वेंस से भी, इस जनजाति में ये शब्द हैं, जैसे एसिकमो की बात करेंगे, एसिकमो के अंतर्गत क्या है, हारपुन क्या है, उमिया क्या है, ठीक है, सलेज क्या है, इस प्रकार से बात करेंगे। फिर बुशमैन के अंतर्गत कौन कौन से
कुछ प्रमुख शब्द थे उनके बारे में देखेंगे, भील जनजाति के बारे में देखेंगे, नृत्य क्या था, इनके निवास क्षेत्र कौन कौन से थे, कौन कौन से राज्यों में निवास करते हैं, भीलों का देवता कौन है, इस प्रकार से मुखिया कौन है, बड़े गांव को क्या कहते हैं, छोटे गांव को क्या कहते हैं, छोटे छोटे आपको एक नोट्स के रूप में लिखने हैं, फिर गौड़ जनजाति के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फोकस करना है, वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से देखने। अब पहली यूनिट हो गई अपनी, पहली यूनिट हो गई है। देखिए कई बार क्या होता है, मैप आता है, याद रखना, हमने एसिकमो और बुशमैन दो जनजातियों के निवास क्षेत्र की बात कर ली थी, लेकिन और प्रदर्शित भी किया था, कहा था बुशमैन की बात करेंगे, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप की बात की थी, और जब एसिकमो की बात की थी तो साइबेरी क्षेत्र को देखा था, अलास्का के क्षेत्र को देखा था, कनाडा के उत्तरी क्षेत्र को देखा था, तो उन क्षेत्रों को भी आपने देख लिया। अब हम दो जनजाति थी, भील और गोंडजन। अब कई बार क्या होता है कि भील जनजाति का निवास क्षेत्र प्रदर्शित कीजिए या दर्शाइए, तो आपको क्या करना है, वैसे आपकी बुक में दे रखा है, आपको अच्छी तरीके से देखना है कि भील जनजाति का निवास क्षेत्र, इस प्रकार से भी कुछ आपको मिलेगा। अब ये जो क्षेत्र हैं ये आपको भील जनजाति का दर्शाना है, और ये जो क्षेत्र है ये किस जनजाति का, गौड़ जनजाति का। इस प्रकार से आपको निवास क्षेत्र भी पूछा जा सकता है कि मैप में ड्रॉ कीजिए, मैप भी आते हैं आपके विषयों के आते हैं, राजस्थान के आते हैं और भारत के आते हैं, उनमें पर्टिकुलर कुछ न कुछ जगह आपको प्रदर्शित करनी होती है, और वो जगह कौन सी प्रदर्शित करनी है ये आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। अब देखिए हम बात कर रहे थे यूनिट की, फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे हम, मानव भूगोल का परिचय, और इसके अंतर्गत हमने दो चैप्टर की बात की थी, पहला मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र, दूसरा हमने चैप्टर देखा था विश्व की प्रमुख जनजातियां, ये देखा है। दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं पहली यूनिट के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत क्या आएगा ये भी हमने देखा था। देखिए एक नंबर का एक क्वेश्चन, फिर एक नंबर का एक क्वेश्चन, फिर दो नंबर का एक क्वेश्चन, ये टोटल तीन क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के, चार नंबर के। तो यहाँ से प्रतीत होता है हमें कोई बड़ा क्वेश्चन याद नहीं करना है, इस यूनिट से कोई भी बड़ा क्वेश्चन याद नहीं करना है। अब ये यूनिट कंप्लीट हो गई, अब हम आगे वाली यूनिट की बात करेंगे, आगे वाली यूनिट के अंतर्गत दूसरी है विश्व जनसंख्या, सेकंड यूनिट के अंतर्गत तीन चैप्टर हैं आपके, विश्व जनसंख्या, अब इसके अंतर्गत क्या है, वितरण घनत्व और वृद्धि, एक तो ये चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंख्या संरचना, ठीक है, फिर आगे वाला चैप्टर है प्रवास और मानव विकास इससे संबंधित, ये कुल तीन चैप्टर आपको
मिलेंगे जो अगली यूनिट आपकी, और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ किस चीज़ का उल्लेख है ये देखेंगे हम। इसके अंतर्गत है देखिए विश्व जनसंख्या, विश्व के अंतर्गत किस प्रकार से लोग निवास करते हैं, क्या उत्तरी गोलार्ध में उतने ही लोग हैं जैसे दक्षिणी गोलार्ध में हैं, ये हो गया आपका वितरण फैलाव। घनत्व की बात करते हैं तो क्या भारत में जितना घनत्व पाया जाता है क्या वो जापान में उतना ही है, क्या वो अमेरिका में उतना ही है, क्या वो अफ्रीका में उतना ही है, भी एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत लोग भारत में निवास कर रहे हैं, क्या उसी एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत मान लो 382 निवास कर रहे हैं तो क्या अमेरिका में इतने ही करते हैं, ये होता है घनत्व। वृद्धि की बात करेंगे जो प्रति दशक की बात करते हैं 10 वर्षों की, तो वो 10 वर्षों के अंतर्गत जो वृद्धि हुई है जनसंख्या में क्या वो एक समान है, क्या उसमें गिरावट आ रही है, क्या उसमें वृद्धि हो रही है, इस प्रकार की कंसेप्ट देखेंगे। संरचना की बात करेंगे तो संरचना के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक तो आयु वर्ग मिलेगा आपको, लिंगानुपात मिलता है, साक्षरता मिलती है और जनसंख्यिकीय विविधताएं भी आपको देखने को मिलती है। साथ साथ में एक सिद्धांत की बात करेंगे, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, इस प्रकार से बात करेंगे। फिर बात करेंगे प्रवास और मानव विकास की, जो माइग्रेट होते हैं लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसके पूरे पक्ष विशेषताएं और समस्याओं के बारे में देखेंगे प्रवास की। फिर मानव का जो विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये अवधारणा कहाँ से आई है, इस अवधारणा के अंतर्गत होता क्या है और किन तथ्यों पर इस पर जोर दिया जाता है, तो ये सारी की सारी डिस्कस हमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।